हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अमेजिंग किस्म के होम एंड किचन गैजेट्स जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी आसान बना देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सिरॉमिक प्रोडक्ट से। ये सिरॉमिक शुगर पॉट बने हुए हैं, आप इनमें शुगर ऐड कर सकते हैं, किसी भी ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का ड्राई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। ये सिरॉमिक के बने हुए हैं और ये 3 पेयर्स में आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद है हमारे पास ये बेडशीट टकर। इस बेडशीट टकर से आप अपने बेड को इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बेडशीट को कवर करने में, उसको ऑर्गेनाइज़ करने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, हैंड वगैरह पे कोई चोट नहीं आएगी। और ये प्लास्टिक का बना हुआ प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा किस्म का प्रोडक्ट है। उसके बाद है हमारे पास ये पोर्टेबल मशीन। ये कवर्ड पोर्टेबल मशीन है, इसके ऊपर लिड दिया होता है, इसे आप कवर करके एक साइड पर रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। इसमें ड्राइंग का भी ऑप्शन दिया होता है और ये छोटे छोटे कपड़े वॉश करने के लिए, कम क्वांटिटी में वॉश करने के लिए काफ़ी अच्छा किस्म का प्रोडक्ट बना हुआ है। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ ये पफर जैकेट। ये पफर जैकेट बच्चों के लिए है, काफ़ी अच्छी किस्म की बनी हुई है। उसके बाद आपको ये फोल्डेबल बेबी स्ट्रोलर दिखा रही हूँ, जिससे आप इजीली अपने गाड़ी वगैरह में या अपने बाइक पर किसी भी चीज़ पे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ ये स्पंज होल्डर। ये प्लास्टिक का बना हुआ ड्रेनिंग स्पंज होल्डर है, जो इजीली आपके सिंक में एडजस्ट हो जाता है और इसमें आप स्पंज वगैरह, स्टेनलेस स्टील की जाली वगैरह या अपने किचन टावल वगैरह जो है वो ईजिली रख सकते हैं। और टावल हैंग करने के लिए भी एक टावल हैंडर दिया गया है। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं ये नॉब्स दिखा रही हूँ। ये स्टोव नॉब कवर हैं, इनके इजीली आप कवर करके रख सकते हैं और किसी किस्म का पानी वगैरह, ऑयल वगैरह गिरने से ये ख़राब वगैरह या गंदे वगैरह नहीं होते, इनमें ऑयल वगैरह नहीं फंसता। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं ये बेबी नेल ट्रिमर। इससे ईजिली आप छोटे बच्चों के नेल्स जो हैं वो ट्रिम हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक नेल ट्रिमर है, इसका लिंक भी मैंने अपने बायो में दे दिया है। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ ये मोमोज़ मेकर, जिससे आप इजीली मोमोज़ को सर्कल में कट करके और इनमें अपनी क्वांटिटी रख के किसी भी किस्म की तो उसे इजीली फोल्ड कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना हुआ किस्म का मोमोज़ मेकर है, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं ये स्टील क्लॉथ, जिससे ईजिली आप अपने यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हैं, जिन पे कोई ऑयल वगैरह या चिकनाई वगैरह जम जाए या स्टोव को साफ़ करना हो, किसी भी चीज़ को साफ़ करना हो, तो काफ़ी अच्छा किस्म का ये स्टील का बना हुआ क्लॉथ है, जिसे आप इजीली इसको वॉश करके भी रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता। किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। उसके आपको दिखा रही हूँ कार्टून हुक्स। ये कार्टून हुक्स बनी हुई हैं, जिससे हैंग करने से इसकी आइज़ वगैरह ओपन हो जाती हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा किस्म का, यूनिक किस्म का प्रोडक्ट है। ये एडहेसिव है, इस पर आप कोई भी चीज़ इजीली हैंग कर सकते हैं और काफ़ी क्यूट किस्म का बना हुआ ये प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ मैं ये कैबेज कटर, जिससे इजीली जिन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में कैबेज कट करनी हो उनके लिए काफ़ी अच्छा किस्म का प्रोडक्ट है। इससे हर चीज़ कट हो जाती है, एप्पल स्लाइस।